तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त दिनेशन बापाड़ी बाय नेचर से। तो शुरू करते हैं आज का अपना नया व्लॉग। दोस्तों के जैसे कि आपने हमारे पहले वाले व्लॉग पे देखा, मैं और यशस्वी हम दोनों के दोनों गए थे छतरपुर मंदिर। तो दोस्तों हमने वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, बहुत सारा फन किया, बच्चों के साथ खेला भी और माता रानी के दर्शन भी किए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना नया व्लॉग। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे मंदिर में हैं और यहाँ पे बहुत बढ़िया और अच्छा लग रहा है हम लोगों को। यशस्वी यहाँ पे है, ये देखिए अभी बहुत मंदिर है आगे। ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये सड़क के पार है। ये देखिए कितना बड़ा गेट है, ये ताला है, देखो कितना बड़ा। अभी हमने एक चीज़ दिखा देखी, इसको देख के हम लोग भी हैरान हो गए। देखिए गाइस कितना बड़ा ताला है और कितनी बड़ी कुंडी है, और गेट देखो उसका गाइस कितना बड़ा है। ये देखो कितना बड़ा ताला है, दुनिया का सबसे बड़ा ताला गाइस। ये देखिए कितना बड़ा है, ह्यूज। अरे बाप, और इसका कुंडी देखो कितनी बड़ी है। अब ताला का कितना वेट होगा पता नहीं यार, बहुत बड़ा पर ताला है ना गाइस। देखे यशस्वी को, यशस्वी देख के इतना बड़ा ताला देख के ये हिल गई। देखो गाइस, और ये ताला ही ताला बड़ा नहीं है, इसकी कुंडी देखो। और आपको गेट दिखाऊं दोस्तों, ये देखो गेट कितना बड़ा है। ये देखो इतना बड़ा गेट है दोस्तों, मैं आपको दूर से भी दिखाता हूँ उसको। तो गाइस इसके ताले की जो जगह है ना, वो देखो गाइस कितनी बड़ी है, और इसकी चाबी कितनी बड़ी होगी। अरे बाप रे, बहुत ही बड़ा ताला है, इसमें माँ भी लिखा हुआ है। और आपको दूर से दिखाता हूँ इसको। छतरपुर मंदिर देखो गाइस कितना बड़ा है, ह्यूज एकदम। ये देखो ये जो मंदिर है गाइस, ये है विष्णु भगवान जी का, और ये सड़क के पार है। और ये है बाबा नागपाल जी का मंदिर। और यहाँ पे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, ये वाली साइड यहाँ पे गार्डन है, और यहाँ से इसकी एंट्री है। तो गाइस और जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है ये, यहाँ देखो गाइस कितना बड़ा ताला और कितना बड़ा गेट है। अरे भाई ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़े किले के अंदर आ गए हो, और किले के बाहर किसी ने कुंडी लगा ली हो। कुछ भी इसके अंदर तो साबू निकल सकता दोस्तों, है शिशी? इस ताले को तो साबू ही खोल सकता है। साबू 434 साबू है दोस्तों, उसको साबू ही खोल सकता है, और कोई नहीं खोल सकता। हमारी बस की तो है नहीं ये खोलने वाला। और इस गेट के अंदर भी साबू जाएगा, है इंसान तो इतना सा ही है। देखिए इसके सामने इतना इंसान है। देखो दोस्तों अभी जा रही है ना, अब देखो ये कितनी छोटी है, ये देखो कितनी लग रही, कैसी लग रही है इसके सामने। देखो ताले के सामने, ये देखो इस ताले के सामने कैसी लग रही है। थोड़ी देर पहले हमने एक मंदिर देखा था ना बाबा संत नागपाल बाबा जी का, कैसा था? और अब दिखाऊं दोस्तों कैसा है। अब देखो दोस्तों, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसके अंदर भी और लाइटिंग होगी, इसके अंदर ही बहुत लाइटिंग होगी। आप देखो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा छतरपुर मंदिर। ये लाइट अभी थोड़ी देर पहले जो आपको मैंने ताले वाला दिखाया था ना, वो यहाँ पे था, ये वाला। यहाँ भी देखो कितनी सारी लाइटें लगेंगी दोस्तों। आज तो हम यहाँ पे सिर्फ एक थोड़े ही पार्ट में आए हैं, रीज़न कि अभी नीतू को भी मैंने बात की थी। नीतू ने बोला कि हम भी, क्योंकि नीतू ने 9 दिन के फास्ट रखे हैं, तो सैटरडे संडे नीतू फ्री होगी। तो फिर हम जो मेन मंदिर है माता रानी का, वहाँ जाएंगे और वहाँ दर्शन करेंगे। आज से हम छोटे से पार्ट में आए थे, उसको आपको दिखाता हूँ। ये जो मंदिर दिख रहा है ना, ये है मेन मंदिर, और ये मंदिर है मेन। ये देखो यहाँ यशस्वी आ गई है। लग रहा है चांद में भूकंप आएगा। ये क्या बोला तूने बेटा, आपका दिमाग का संतुलन ठीक है? दुनिया में सबसे 10% लोगों में ही होता है बस। क्या 10% लोग भी ऐसे देख सकते हैं बस। अच्छा, उसमें तू भी एक है। हाँ। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। सब बस बेटा, बहुत बढ़िया। 10% लोग देखते हैं, उसमें से ये भी मिजी मिली है। ये है ऐसी लड़की। आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये है टॉय टॉयज, और टॉय टॉयज के ऊपर जो है ये भगवान शिव जी का शिव, वो जो त्रिशूल है, और ऊपर डमरू भी है, और ये है फुल टॉर्टोइज। देखो नीचे पानी भी है उसके, और यहाँ पे टॉर्टोइज भी है। देखिए टॉर्टोइज का मुंह ये है पूरा, और कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है ना। देखिए तो गाइस अभी देखिए हम लोग चलते चलते आ गए उस मंदिर के पास। दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, वाह। इसमें यहाँ पे जो लाइटें लगी है ना गाइस, ये बार बार चेंज हो रही है। तो
अभी का जो कलर है ना, ये वाला कलर मुझे तो बहुत सही लग रहा है। तो जब लाइट चेंज हो रही है ना, तो कबूतर जो ऊपर बैठे हुए थे ना, वो भी ऊपर कभी अलग कलर के होते जा रहे हैं। कबूतर आ गए गाइस, हम देखो कितने रंग बिरंगे कबूतर दिखा रहे हैं। इसी बात पे लाइक हैं, इसी बात पे लाइक ठोको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ जो यहाँ पे यशस्वी भाग गई है। यशस्वी ये देखिए। और ये यशस्वी की यहाँ क्यों आई है बताएं दोस्तों आपको। यहाँ वो इसलिए आई है, यहाँ उसके है बजरंग बली। ये देखिएगा गाइस कितने बढ़िया बजरंग बली है। ये देखिए ये आई है इधर पे। तो हे गाइस, फाइनली हम पहुँच गए भगवान बजरंग बली के मंदिर। और देख सकते हैं गाइस कितनी बड़ी मूर्ति है भगवान बजरंग बली की। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए कितनी प्यारी और कितनी बढ़िया लग रही है। सो भगवान करे बजरंग बली आप सभी के घर में सुख और समृद्धि लाएं। और यहाँ आ गई है शशि एज यूजुअल फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और ये देखिए गाइस कितनी खूबसूरत मूर्ति। दोस्तों आज तो हम लोग इस तरफ हैं सड़क के इस पार, और यहाँ था मंदिर, यहाँ बजरंग बली का मंदिर था, आगे नागपाल जी का मंदिर था, और आगे और भी ये है यशस्वी। तो गाइस आज तो हम सिर्फ एक वाला पार्ट, एक तरफ का पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज हम नीतू वाले साथ नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो उस वाले पार्ट में जाएंगे और आपको वो वाला पार्ट दिखाएंगे। मेन हाँ मेन पार्ट। तो गाइस हम मेन पार्ट में जाएंगे, फिर आपको मिलते हैं नहीं अगली बार। सो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं करते हैं ख़त्म, और क्योंकि आज समय ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये कैमरा चल रहा है? अरे ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है? अरे देखो कैमरा सही आ रहा है, चल रहा है, चल रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, इस कैमरे में क्या हुआ।